Hello everyone. So before starting fluid mechanics, there are few properties which needs to be understand and which needs to be known before starting or before moving ahead to solve the fluid mechanics questions and its derivations. So in this part we will be discussing about all those properties. There are about 8 to 10 properties which needs to be known and understand clearly. Out of which the first and very basic property is the density. I think every one of us heard about the density. And the density is simply defined as the ratio of mass to volume, or it is defined as the mass per unit volume. But let me ask you a question. The mass per unit volume, is it the definition for density or its mathematical representation? No, it's not the definition. It's the mathematical representation for density. So definition kya hai? And the definition is, density is defined as the property of material which shows the heaviness of that material. It is the property which shows the heaviness of this of a material. Let's understand this with an example. Suppose we have two blocks, block A and block B. Block A is of aluminium and block B is of iron. Now the volume of both the blocks are same, but still block of iron is more heavier than that of aluminium. तो ये कैसे? तो ये उसी प्रॉपर्टी के कारण जिसे हम कहते हैं डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ आयरन ब्लॉक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम एंड दैट्स व्हाई द आयरन ब्लॉक इज मच हैवियर देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम ब्लॉक. अब ये हैवियर क्यों है? आयरन ब्लॉक हैवियर क्यों है? तो आयरन ब्लॉक के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है वो क्लोजली पैक्ड है, या the distance between the molecules of iron block is much less than that of the aluminium block. अगर iron block के molecules में distance कम है तो unit volume में या unit space में जो iron के molecules है उनकी quantity ज़्यादा होगी. अगर iron के molecules की quantity ज़्यादा है तो obviously उसका mass ज़्यादा होगा, और अगर उसका mass ज़्यादा है मतलब वो हैवियर होगा. और यही कंसेप्ट जो डिफाइन करता है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डेंसिटी. वंस अगेन डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी. सो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी विच शोज द हैवीनेस ऑफ अ मटेरियल. ये हो गई डेफिनेशन. अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें तो मालूम ही है. क्या? रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम और मास पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ द यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. हेंस वी कैन सिंपली डिफाइन और डिराइव द यूनिट फॉर डेंसिटी विच इज केजी पर मीटर क्यूब. एंड दैट्स इट फॉर डेंसिटी. अब डेंसिटी इस टॉपिक में ध्यान रखने वाली तीन मेन चीजें. पहली डेफिनेशन. कोई भी आपको पूछे कि डेफिनेशन क्या है तो ये मत कहना मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेफिनेशन नहीं है, ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. सेकंड थिंग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. और थर्ड यूनिट केजी पर मीटर क्यूब. ये जो यूनिट है ये है हमारा एसआई यूनिट. इसके हो सकता है सीजीएस यूनिट या एमकेएस यूनिट भी हो, जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पौंड पर फीट क्यूब. बट इन फ्लूड मैकेनिक्स वी जनरली डील विथ एसआई यूनिट्स विच इज आवर केजी पर मीटर क्यूब. एग्जाम्स में हमेशा यही गलती होती है यूनिट्स में. हो सकता है आपका पूरा कॉन्सेप्ट बराबर हो, आपने जो सॉल्व किया वो प्रोसीजर पूरी बराबर हो, बट यूनिट के कारण आपका आंसर गलत हो सकता है और आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाले. दैट्स वाई ऑलवेज फोकस ऑन यूनिट्स. Moving towards the second property, which is also one of the most important property in fluid mechanics, specially
and this property is the wet density. अब वेट डेंसिटी और डेंसिटी क्या अलग अलग है? तो हाँ अलग अलग है. और वेट डेंसिटी ये डेंसिटी से कितना अलग है? सो डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी आर द टू डिफरेंट थिंग्स. यस दे आर टू डिफरेंट थिंग्स बट दे जनरली शोज द सेम प्रॉपर्टी विथ डिफरेंट एंगल. नाउ अंडरस्टैंड दिस हाउ. डेंसिटी जिसका यूनिट है हमारा केजी पर मीटर क्यूब और वेट डेंसिटी. अब वेट डेंसिटी क्या है, स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से. सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड डेंसिटी. मतलब जो वेट डेंसिटी है वो कुछ नहीं, बस हमारी जो डेंसिटी उसको हमने ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा केजी हो गया न्यूटन और इसलिए इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब. अब डेंसिटी और वेट डेंसिटी में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि हमारी जो डेंसिटी है वो यूनिवर्स में आप कहीं पे भी चले जाओ कांस्टेंट रहेंगी. क्यों? क्योंकि आपका मास कांस्टेंट है. बट इन वेट डेंसिटी केस आपका यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब. न्यूटन जो कि डिपेंडेंट है ग्रेविटी पे और ग्रेविटी डिपेंड वेरी करती है हमारी हर प्लैनेट टू प्लैनेट. और वेट डेंसिटी के भी कई यूनिट हो सकते हैं जैसे कि न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब. बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी मोस्टली यूज ऐसा यूनिट विच इज न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो हमने दो प्रॉपर्टी देखती, पहली डेंसिटी और दूसरी वेट डेंसिटी. अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर जो कि है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड. अब हमारे पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो है, वेट डेंसिटी भी है, तो एक नए प्रॉपर्टी की क्या जरूरत? What is the need of this new property? So, as we move further, density of any fluid to the density of standard fluid, ये जो ratio है ये बार बार repeat होगा. And for the sake of simplicity, to represent this ratio, we defined a new term which is called as the specific gravity. अब specific gravity में आपने अगर देखा होगा तो ये बोलती है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. अब फ्लूइड, फ्लूइड में भी दो टाइप होते हैं, कौन से? लिक्विड और गैस. तो लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड जो फ्लूइड है हमारा वो है वाटर, और गैसेस के स्टेट में जो हमारा जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो है एयर. सो ऑलवेज फोकस ऑन द क्वेश्चन दैट विच फ्लूड इज गिवन. क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देना कौन सा फ्लूड गिवन है, लिक्विड है या गैस है. अगर लिक्विड है तो डेंसिटी ऑफ वाटर यूज करोगे, और अगर गैस है तो डेंसिटी ऑफ एयर यूज करोगे. तो पहले हमने पढ़े डेंसिटी, फिर उसके बाद वेट डेंसिटी, और अब स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको समझ आ गई? ओके, अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है. अब इसके न्यूमरेटर में है डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड और डिनोमिनेटर में है डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. मतलब केजी पर मीटर क्यूब अपॉन केजी पर मीटर क्यूब, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ नो यूनिट, इट इज़ एन डायमेंशन लेस क्वांटिटी. ये हमेशा ध्यान रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी को कोई यूनिट मत लगा देना भाई. इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यू विल सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी एवरी ईयर इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि हमारी विस्कोसिटी. अब विस्कोसिटी क्या है, इसका क्या रोल है, ये हम देखते हैं. बट विस्कोसिटी स्टार्ट करने से पहले और एक ज़रूरी कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम. वो देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम क्या है.
So concept of continuum is generally referred with the macroscopic approach. अब macroscopic approach क्या है? अगर आपने thermodynamics पढ़ा होगा तो आपको macroscopic approach पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो thermodynamics वाला हमारा lecture देख लीजिए, उसका पहले ही लेक्चर में हमने बताया है कि macroscopic approach क्या है और microscopic approach क्या है. हाँ तो continuum, continuum इस वर्ड से ही आपको इसका मतलब समझ आ रहा होगा. कॉन्टिनम कंटिन्यूअस मतलब अगर आपका पाइप में से या कोई भी क्रॉस सेक्शन में से अगर कोई फ्लूड फ्लो हो रहा है तो उसकी कंटिन्यूटी दिखाने के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम. इफ फ्लूड इज फ्लोइंग थ्रू अ डक्ट और अ पैसेज इट मस्ट बी कंटिन्यू फॉर आवर एनालिसिस. अगर हमें फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट अप्लाई करना है और फ्लो का स्टडी करना है तो हमारा जो फ्लो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. और फ्लो कॉन्टिन्यूस है या नहीं ये कौन बताता है? द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम. अब फ्लो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इसके लिए कुछ कंडीशंस है जो कि है हमारी ये. फर्स्ट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब फ्लो के अंदर हमारे जो फ्लूड पार्टिकल्स है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा है, इस जगह कम है, इस जगह मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, इस वाले कॉर्नर में कम है. नहीं, मॉलिक्यूल्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन. ये हो गया पहली कंडीशन. दूसरी, नो वॉइड्स. वॉइड्स मतलब क्या? गैप. अगर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे तो उनके बीच में जो गैप है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वो गैप कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए भी एक टर्म है. उसके उस पर हम अगर आगे आते हैं जिसे कि हम डिफाइन करते हैं नूडसन नंबर से. और नूडसन नंबर ही है जो डिफाइन करता है हमारा दैट द फ्लो इज कॉन्टिन्यूस और नॉट. और अब हमारी तीसरी कंडीशन जो है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये जो नो वॉइड्स या जो सेकंड पॉइंट है उसका ही एक्सटेंशन है. नो वॉइड्स मतलब गैप नहीं होना चाहिए. गैप नहीं होना चाहिए मतलब क्या? गैप कब नहीं होगा? जब हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए. तो ये कंडीशंस थी हमारे कॉन्टिनम की या फिर फ्लो कंटिन्यूस है या नहीं ये देखने की. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नूडसन नंबर. अब नूडसन नंबर क्या होता है? नूडसन नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मीन फ्री पाथ टू सिस्टम डायमेंशंस. इसमें दो टर्म्स है, मीन फ्री पाथ और सिस्टम डायमेंशन. सिस्टम डायमेंशन तो समझना ईजी है बट मीन फ्री पाथ ये नया टर्म है हमारे लिए. तो मीन फ्री पाथ क्या है? मीन फ्री पाथ, अगर सपोज ये दो मॉलिक्यूल्स है तो इनमें का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से. तो नूडसन नंबर हमारा क्या हुआ? लैम्बडा अपॉन सिस्टम डायमेंशंस विच इज एल. नाउ अगर हमारा फ्लूइड फ्लो कंटिन्यूअस है या नहीं ये देखने के लिए हमारे नूडसन नंबर की एक मैग्नीट्यूड है या एक वैल्यू है. अगर नूडसन नंबर हमारा उससे कम होता है तो हो सकता है फ्लो हमारा कॉन्टिन्यूस हो या ना हो. तो ये नूडसन नंबर वैल्यू या मैग्नीट्यूड कितना है वो देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड स्टडी इट इज़ गिवन दैट इफ द वैल्यू ऑफ नूडसन नंबर इज स्मॉलर दैन 0.01 देन आवर फ्लो will be continuous. अगर हमारी नूडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम है तो फ्लो कॉन्टिन्यूस है और अगर 0.01 से ज़्यादा हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो हमारा फ्लो कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा. तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम. अब ऐसी भी कोई कंडीशन होती होंगी जहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम फेल होता होगा, वो कंडीशन कौन सी है? और इस पर आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा प्रीवियस ESE या गेट में. तो पहला कंडीशन जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम फेल होता है, फर्स्ट वन इज रेरिफाइड गैस फील्ड. रेरिफाइड गैस फील्ड मतलब क्या? कि जो
एक मतलब एक ऐसी गैस फील्ड है जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रेयर है, और जो कि हमारी कंडीशन थी, कॉन्सेप्ट कंडीशन ऑफ कॉन्टिनम थी, सेकेंड पॉइंट नो वॉइड्स। तो अगर यहाँ पे रेरिफाइड फील्ड है या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस रेयर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे गैप क्रिएट होगा, और अगर गैप क्रिएट हो रहा है या वॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम फेल हो रहा है, दैट मीन्स हमारा फ्लो कंटिन्यूस नहीं रहने वाला। सेकेंड कंडीशन वेयर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम फेल्स इज हाई वैक्यूम। अब हाई वैक्यूम का भी वही मतलब हो गया, वैक्यूम मतलब क्या, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, और अगर प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है मतलब नो कॉन्टिन्यूम, नो कॉन्टिन्यूस फ्लो, हैंस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम फेल्स इन बोथ दिस सिचुएशन। अब आते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जो है विस्कोसिटी। देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर। नाउ फोकस ऑन दिस टर्म और अंडरलाइन दिस टू टर्म्स। फर्स्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स एंड द एडजेसेंट लेयर। तो इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे विस्कोसिटी इन डिटेल और विस्कोसिटी पे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।